नमस्कार, मैं विकास अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संचालित एक रोचक नवाचार विस्तार से बताएंगे। आज का वीडियो अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत प्रश्न बैंक नवाचार पे आधारित है। हम जानेंगे कि कैसे इस नवाचार के माध्यम से हम छात्रों को कक्षा में बड़े रोचक तरीके से पाठ का पुनः अध्ययन करवा सकते हैं। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात की जाए तो इस नवाचार में बच्चे मिलकर पाठ का अध्ययन करते हुए प्रश्नों का निर्माण करते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन विभिन्न प्रश्नों के निर्माण करते समय हो जाता है। बच्चों को समूह कार्य करने का अनुभव मिलता है और बच्चे पाठ को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। इस नवाचार करने की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है और PTR शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात 30:1 आधार मानकर इस नवाचार को क्रियान्वयन किया गया है। आज विषय जो हम ले रहे हैं वह है UP बोर्ड कक्षा 5 विषय गणित पाठ 6 विनोद का गुना। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे इसे अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत प्रश्न बैंक नवाचार के द्वारा कक्षा में पाठ का पुनः अध्ययन करवा सकते हैं। इस नवाचार को करने के लिए शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों का 5 से 7 समूह बनाते हैं और प्रत्येक विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि पाठ को अच्छी तरह से पढ़ के विभिन्न प्रश्नों का निर्माण करें, जैसे अति लघु उत्तर प्रश्न, लघु उत्तर प्रश्न, दीर्घ उत्तर प्रश्न और व्याख्यात्मक उत्तर प्रश्न। जब बच्चे प्रश्नों का निर्माण कर लेते हैं तो शिक्षक प्रत्येक समूह से एक प्रतिनिधि को चुनता है और वो प्रतिनिधि अपने समूह में जाकर सभी बच्चों से प्रश्नों को संकलित करता है और संकलित करते समय ये ध्यान देता है कि प्रश्नों को दोबारा संकलित ना किया जाए। इसके बाद प्रत्येक समूह प्रश्न बैंकों को आपस में आदान प्रदान करते हैं। अंत में सभी समूह प्रश्नों को संकलित करते हैं और प्रश्न बैंक बन जाता है और प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और शिक्षक यह ध्यान देते हैं कि सभी विद्यार्थी प्रश्नों और उत्तर को अपने नोटबुक में जरूर लिखें। पुनः अध्ययन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रश्न बैंक नवाचार के माध्यम से विनोद का गुना की जानकारी दोहरा सकते हैं। इस पाठ से बच्चे जो प्रश्न बनाएंगे वो इस प्रकार होंगे, जैसे किसी भिन्न से 1 से गुना करने पे उसका गुणनफल क्या होगा, भिन्न का क्रम बदलने से क्या नहीं बदलता और विभिन्न तरह के प्रश्न बच्चे निर्माण कर सकते हैं जो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जब बच्चे विभिन्न प्रश्न बनाते हैं तो पाठ विनोद का गुना का पुनः अध्ययन हो जाता है और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस नवाचार को करने के लिए कोई भी पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती। हमने देखा कि कैसे इस नवाचार के माध्यम से बच्चे बड़े आसानी तरीके से अपना प्रश्न बैंक और उत्तर कुंजिका बनाए। बच्चे जब प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो उनके अंदर में गहन सोच विकसित होती है और जब वो उत्तर देते हैं तो उनके अंदर में निर्णय करने का कौशल विकास होता है। साथ ही साथ बच्चों को समूह कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और समूह सहभागिता में विकास होने लगता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी इस गतिविधि में भाग लेते हैं और शब्दों को जानने लगते हैं और उन्हें भी शब्दों का ज्ञान होने लगता है। यह नवाचार LCF 2005 के दिशा निर्देशों को भी पूरा करता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह नवाचार बहुत पसंद आया होगा और आप अपने कक्षा में जोर से क्रियान्वयन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा ZIIEI का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा ZIIEI का Facebook जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।